पिछले एक साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कई महीनों तक लगातार करते रहे, वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के आरोप उसके बाद सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में आ गए। 6 महीने से ज्यादा से सीबीआई और ईडी जांच कर रहे हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 500 से ज्यादा अफसर इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच में लगाए हैं। तो क्या है ये तथाकथित शराब घोटाला? इस तथाकथित शराब घोटाले में मुख्य रूप से 2 आरोप हैं। पहला आरोप है कि नई शराब नीति बनाने के एवज में शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत या किकबैक लिए गए। ये पहला आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी लगाती है और उनके बाद सीबीआई और ईडी ने लगाया है। दूसरा आरोप ये है कि ये 100 करोड़ रुपए जो शराब कारोबारियों से लिए गए उनको आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में लगाया, गोवा के चुनाव में खर्च किया। ये आरोप पिछले एक साल से बार 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 भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता, अलग अलग प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुना रहे हैं। लेकिन कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक फैसला दिया। 2 लोग जो इस केस में अरेस्टेड थे, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा, उनको कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी और एक 85 पेज का ऑर्डर कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है। ये जो ऑर्डर कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है, मैं चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इस ऑर्डर को पढ़े। मैं चाहूंगी कि जो सारे टीवी चैनल पिछले एक साल से इस तथाकथित घोटाले की रिपोर्ट्स चला रहे हैं, इस ऑर्डर को पढ़ें, क्योंकि कल का ये राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर ये स्पष्ट कर देता है कि 100 करोड़ तो छोड़िए, 30 करोड़ छोड़िए, एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत ईडी और सीबीआई के पास नहीं है। बार बार इस 86 पेज के ऑर्डर में जज सिर्फ एक बात दोहरा रहे हैं कि कोई भी सबूत ईडी ने सामने नहीं रखा है। तो जो पहला एक्यूजेशन है, जो पहला आरोप है कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ, 100 करोड़ की रिश्वत किकबैक के तौर पर शराब कारोबारियों द्वारा आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को दी गई। इस किकबैक देने में एक शराब कारोबारी गौतम मल्होत्रा जी भी शामिल थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी, ऐसा सीबीआई भी कह रही थी, ऐसा ईडी भी कह रही थी। लेकिन कल कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से पैरा 74 में अपने ऑर्डर में कहा है, देयर इज नो स्पेसिफिक एविडेंस showing any such cash payment towards payment of bribe or repayment of kickbacks. The only evidence presented has been some vague statements made by witnesses, and on the basis of these statements, it cannot be inferred that cash payments were given as bribes. So court ye spasht taur se kehta hai ki रिश्वत देने का, एक नए पैसे की भी रिश्वत देने का कोई भी सबूत कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है, ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है।
तो ईडी की कहानी शुरू होती है 100 करोड़ रुपए से। हालांकि ये 100 करोड़ रुपए की का जो अमाउंट है ये कहां से आया ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ईडी खुद अपनी चार्जशीट में सिर्फ 30 करोड़ रुपए के अमाउंट की बात करता है। तो पहले 100 करोड़ से तो ईडी खुद 30 करोड़ रुपए आ गई। ये जो 30 करोड़ है जो तथाकथित रूप में किकबैक के रूप में आया, उस पर यह आरोप है कि एक शख्स जिनका नाम है राजेश जोशी, जो बेचारे एक छोटे से वेंडर हैं, पोस्टर लगाते हैं, आउटडोर की होर्डिंग लगाते हैं, एसएमएस भेजते हैं, आईवीआर कॉल भेजने वाले एक छोटे से वेंडर हैं, उन पर यह आरोप लगा कि 30 करोड़ रुपए इस रिश्वत से, इस किकबैक से राजेश जोशी जी के माध्यम से दिल्ली आया, और फिर राजेश जोशी जी ने ये 30 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा पहुंचाया। तो अब हम 30 करोड़ रुपए आ गए हैं। तो इस 30 करोड़ की क्या कहानी है इसको हम देखते हैं। पैरा 44 में इस 30 करोड़ रुपए के बारे में कोर्ट ये कहता है, There is no independent evidence collected by the investigating agency to substantiate or corroborate this fact. तो जो 100 करोड़ से 30 करोड़ पर ईडी आई, उस 30 करोड़ पर कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से बोला है कि 30 करोड़ के लेन देन का कोई भी सबूत नहीं है। और कोर्ट ने उसके बाद बोला है कि आपके पास जो सबूत है हम उसे सबूत नहीं मान सकते हैं कि राजेश जोशी का नंबर किसी के फ़ोन में सेव था, कि राजेश जोशी ने किसी को कॉल किया। उन्होंने कहा नंबर सेव होना, किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को कॉल करना कोई भी सबूत नहीं माना जा सकता। उसके बाद ईडी ने कहा अपने आरोप में कि ये जो 30 करोड़ रुपए राजेश जोशी ने तथाकथित रूप से दिल्ली से गोवा पहुंचाए, इस पैसे का हवाला, इस पैसे का लेन देन पर्चियों के माध्यम से हुआ। इस पर्चियों पर भी कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करी है। इस ऑर्डर के पैरा 46 में इन पर्चियों के बारे में कोर्ट का ये कहना है, However, even these paper slips have not been recovered either in hard or in digital form from the mobile phone of any witness or any hawala operator. Number two, no record seized from any hawala operator in connection with this amount has been presented to the court. Yani, आपने जो कहा कि 30 करोड़ रुपए पर्चियों के लेन देन के माध्यम से गोवा, दिल्ली से गोवा गए, उसका भी कोई सबूत ईडी के पास, सीबीआई के पास नहीं। तो ये तो ध्वस्त हुआ पहला आरोप कि 100 करोड़ की रिश्वत दी गई, क्योंकि ना 100 करोड़ की रिश्वत का, ना उस 100 करोड़ के लेन देन का, ना उसको दिल्ली से गोवा या कहीं पहुंचाने का कोई भी सबूत कोर्ट के सामने रखा गया। दूसरा आरोप, दूसरा मुख्य आरोप जो इस शराब घोटाले में तथाकथित रूप से लगाया गया है, कि जो पैसा रिश्वत के तरह से किकबैक के तौर पर 100 करोड़ रुपया आया, उसको गोवा के चुनाव में खर्च किया गया। पिछले 6 महीने से ईडी सीबीआई के सारे अफसर गोवा में बैठे हुए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ काम करने वाले हर वेंडर के ऑफिस में छापा मार दिया, हर वेंडर को पूछताछ के लिए बुलाया, कभी गोवा में बुलाया, कभी दिल्ली में बुलाया। 6 महीने की पूछताछ, 6 महीने के रेड, 6 महीने के छापों के बाद जिस ईडी ने 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में 19 लाख रुपए कैश में खर्च किया है।
तो अब ईडी ने पूरे देश के सामने जांच करके साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी देश की सबसे ईमानदार पार्टी है, कि आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 लाख रुपए कैश में खर्च किए और बाकी सारा खर्चा चेक में किया। ये ईडी की जांच ने साबित कर दिया। तो कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट का ये ऑर्डर आया तो मुझे ये लगता है कि इस ऑर्डर के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले एक साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उतनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगेंगे कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ, कोई भी घोटाला नहीं हुआ और हम एक साल से झूठ बोलते हुए आ रहे हैं। कल के इस ऑर्डर ने सीबीआई और ईडी का पर्दाफाश कर दिया। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो चार्जशीट हैं जो सीबीआई और ईडी दाखिल करती हैं, ये सीबीआई और ईडी के दफ्तरों में नहीं लिखी जाती हैं, ये प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखी जाती हैं और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से इनको ईडी और सीबीआई को दिया जाता है और कहा जाता है कि अब जो हमने इसमें आरोप लगाए हैं, जो हमने चार्जेस लगाए हैं, इनको जस्टिफाई करने के लिए आप कोई गवाह ढूंढ के लेके आइए, इनको जस्टिफाई करने के लिए आप कोई एविडेंस लेके आइए। तो फिर ईडी और सीबीआई क्या करती है, वो लोगों को बुलाती है, डराती है, धमकाती है, उनकी कनपट्टी पे थप्पड़ मारकर उनके कान के पर्दे फाड़ती है और फिर उनसे अपने बयान लिखवाती है। जैसा हमने देखा कि तीन तीन विटनेसेस ने अपने बयान वापस लिए, जिसमें शामिल है समीर महेंद्रू, अरुण पिल्लई, चंदन रेड्डी, और सब ने कहा कि हम पे दबाव बनाया गया। चंदन रेड्डी की तो मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाती है कि उसे मार मार के उसके कान के पर्दे फाड़ दिए गए। और सीबीआई और ईडी क्या करती है जब उन्हें कोई ना कोई सबूत दिखाना होता है, तो सीबीआई और ईडी को फिर झूठ बोलना पड़ता है कि मनीष सिसोदिया जी ने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए 14 फोन तोड़ डाले। लेकिन जब हम खुद बिना किसी रिसोर्सेज के थोड़ा जांच करते हैं और फोन के आईएमआई नंबर निकालते हैं तो पता चलता है कि उस 14 में से 7 फोन तो सीबीआई और ईडी के पास खुद हैं और 7 बाकी फोन अभी भी अंडर यूज है। तो ये भी सीबीआई ईडी को जो झूठे एविडेंस प्रेजेंट करने पड़ते हैं उनका पर्दाफाश हो जाता है। फिर सीबीआई और ईडी को लगता है कि हमें कुछ तो दिखाना पड़ेगा, हमें ऊपर से आदेश आया है, हमें पीएमओ से आदेश आया है, तो फिर वो चार्जशीट में संजय सिंह जी का नाम डाल देते हैं। लेकिन जब संजय सिंह जी उन्हें लीगल नोटिस भेजते हैं तो फिर ईडी को माफी मांगनी पड़ती है और कहना पड़ता है कि जी हमसे गलती हो गई, हमने गलती से संजय सिंह जी का नाम डाल दिया। तो कुल मिलाकर एक चीज अब देश के सामने आ गई है कि जो कुछ भी शराब घोटाले के नाम पर बताया जा रहा है ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है, बिना किसी सबूत के है, कोई भी ऐसा घोटाला नहीं हुआ है। और अब कोर्ट की ऐसी टिप्पणी के बाद जहां पर कोर्ट अपने आदेश में यह कहता है कि किसी भी आरोप के लिए देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी सैटिस्फैक्टरी कॉरोबोरेटिव मटीरियल एंड there are contradictions and deficiencies in the statements that are being made by the enforcement directorate. तो जब कोर्ट ईडी के बारे में ऐसा बयान देता है तो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो सामने आए
और देश से माफी मांगे कि वो पिछले एक साल से पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी को बदनाम कर रहे हैं। थैंक यू। दो आरोपियों को इसमें जमानत मिल गई है जी, तो चूंकि अभी अगली तारीख से सुनवाई होगी, क्या इसको भी आधार बना करके आप आर्ग्यू करेंगे खातिर मनीष की जमानत के लिए हाई कोर्ट में? देखिए, हम बिल्कुल आर्ग्यू करेंगे, और आज तक चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, वो मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई भी सबूत कोर्ट में नहीं पेश कर पाई। लेकिन सीबीआई और ईडी को पीएमओ से आदेश आता है, उस आदेश के आधार पर उन्हें चार्जशीट दायर करनी होती है, उस आदेश के आधार पर उनको कोर्ट में खड़े होकर डिफेंड करना पड़ता है। ये सीबीआई और ईडी की मजबूरी है। लेकिन अब इस कोर्ट के आदेश ने इस तथाकथित शराब घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है और पूरे देश को बता दिया है कि कोई भी ऐसा घोटाला नहीं हुआ।